वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 39। वर्कशीट नंबर 39 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं कुछ एप्लीकेशन साइन कॉस टेन से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ये हाइट फाइंड करनी है और बोला है कि एक पॉइंट है वहाँ से बिल्डिंग का टॉप जो है वो 60 डिग्री पर है और ये जो बेस है उसकी जो वैल्यू है वो 50 मीटर दे रखी है। तो एक ही फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, ध्यान रखें, एक ही फॉर्मूला लगता है, वो होता है फाइंड अपॉन गिवन इक्वल्स टू डैश थीटा। मैं इसको एक ही फॉर्मूला से इसको अंदर कर देता हूँ। अब फाइंड क्या करना है, ए बी। अब इस ट्राइंगल के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान रखना। मैं इस ट्राइंगल को फिर दोबारा बना रहा हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में। ठीक है, 90 डिग्री हो गया ये ए बी और ये सी और ये क्या है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हुआ, ये बेस हुआ। आप लोगों को याद होगा ये चीज़ क्योंकि हमें साइन कॉस टेन से ही निकालना है। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए बी। फाइंड ए बी करना है तो मैं यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ और दे क्या रखा है, बी सी दे रखा है इक्वल टू डैश थीटा। अब थीटा क्या था, 60 डिग्री। अब डैश में क्या आएगा, देखो ए बी क्या चीज़ है, ए बी है परपेंडिकुलर और बी सी क्या है, बेस। अब आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये आपको याद है टेबल हमने करा था। अब इसकी मदद से हम निकाल लेंगे पी अपॉन बी, देखो पी अपॉन बी है ना, तो ये है टैन, तो यहाँ पर आएगा टैन 60 डिग्री। ये समझ में आया आपको कि आपको कौन सा रेशियो लगाना है, वो आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा कौन सा रेशियो लगाना है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए बी तो हमें फाइंड करना है तो ए बी को तो ए बी रखेंगे, बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी थी 50। अब टेन 60, अब टेन 60 की वैल्यू जो होती है वो साइन 60 अपॉन कॉस 60 होती है। अब साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 60 की वैल्यू क्या थी, साइन 30 के इक्वल, मतलब 1/2। ठीक है, इसको रखेंगे √3/2 × 2/1, ये कट गया, आंसर आया √3, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू √3। अब ये 50 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 50 √3 आंसर किसमें है, मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी, ये मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ ताकि आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप यहाँ से देख सकें। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर नहीं दे रखी, उन्होंने कुछ दे रखा है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अ चाइल्ड इज़ वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री, तो एक बच्चा है ठीक है और वो एक ट्री पे बर्ड बैठी हुई है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन में गड़बड़ है कि ट्री के ऊपर बर्ड बैठी है, यहाँ बैठी, कहाँ बैठी है। हम उम्मीद कर रहे हैं बर्ड जो है वो सबसे ऊपर बैठी है, तो मैं बर्ड जो है वो ब्लू कलर की यहाँ पे बना देता हूँ। ये बर्ड है ठीक है, यहाँ बैठी है, अब वॉच कर रहा है, वॉच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो देख रहा है, तो हम उसको डॉटेड लाइन इस तरीके से दिखा देते हैं। ये देख रहे, देख रहा है। अब आगे उन्होंने क्या बोला, अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए साइट इज 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो 45 डिग्री हो गया। द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल, तो चाइल्ड की हाइट भी दे रखी है 1.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो चाइल्ड की हाइट नहीं देते तो हम चाइल्ड को भी डॉट मानते। ठीक है, तो ट्री इस तरीके से स्टार्ट होता और हम इस तरीके से मानते हैं। अभी उन्होंने क्या बोला, चाइल्ड की हाइट दे दी, तो मेरे को इसको भी, चाइल्ड की हाइट को भी कंसीडर करना पड़ रहा है।
तो इन दोनों में देख रहे फर्क क्या है, अगर चाइल्ड की हाइट नहीं दी तो वो डॉट है, और अगर चाइल्ड की हाइट दे दी है तो वो उसकी भी एक हाइट माननी पड़ेगी। तो ट्री के ऊपर वो ज़मीन पे ही खड़ा होगा ना, दोनों के दोनों ज़मीन तो बराबर होगी, तो ऐसे मत समझ लेना कि वो बराबर वहीं से स्टार्ट हो रहा है, उसका सिर ज़मीन के अंदर गड़ा नहीं हुआ वो, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे। अब मांगा क्या उसने, द चाइल्ड इज़ 1.5 मीटर टॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब फुट ऑफ द ट्री एंड चाइल्ड ऑफ द ग्राउंड इज 30 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है और ये 45 डिग्री दे रखा है। तो चलो अब इसको निकाल लेते हैं किस तरीके से, अगर हम इसको निकालने जाएंगे तो हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, मतलब हमें पूरी हाइट निकालनी है पूरा। ओके अगर ये, अगर मैं मान लूँ ए ये बी और ये सी है और ये वाला पॉइंट डी और ये वाला पॉइंट ई, अब थोड़ा ईजी फिगर बनाते हैं ट्राइंगल की फॉर्म में, तो एक्चुअली में ये फिगर कुछ ऐसी है, आपको बुक में भी दिख जाएगी, ये 45 डिग्री, अब ये जो थी वो 30 मीटर था, देखो ये दोनों पैरेलल है ना, रेक्टेंगल है, तो ये भी 30 मीटर हुआ या नहीं हुआ। तो मैं ऊपर वाला ट्राइंगल लूँगा पहले, ए बी सी, ये क्या है 30 मीटर, ये क्या है 45 डिग्री, और हमें ये निकालना है, ठीक है ये वैल्यू निकालनी है सी बी। अब आप बोलेंगे सर ट्री तो पूरा नीचे तक है, देखो यहाँ से यहाँ तक निकाल लो और 1.5 उसमें ऐड कर दो, क्योंकि हाइट तो वो दे रखी है, ये रेक्टेंगल है ना, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हुआ, तो ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, सी बी फाइंड करना है, सी बी और दे क्या रखा है, बी ए, बी ए दे रखा है। अब डैश थीटा, थीटा क्या है 45 डिग्री, ओके अब थीटा के परस्पेक्टिव में इसके सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर है 90, ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है बेस, ओके तो सी बी क्या है, सी बी, सी बी क्या है परपेंडिकुलर और बी ए क्या है बेस, पी अपॉन बी क्या है टैन, तो मैं यहाँ पे टैन 45 लिख दूंगा। अब सी बी की वैल्यू कितनी हो गई, सी बी तो निकालना है, और बी ए की वैल्यू कितनी 30, और टैन 45 कितना होता है 1 होता है, सी बी ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 × 30, तो सी बी की वैल्यू कितनी हो गई 30 मीटर। अब सी बी की वैल्यू 30 मीटर, सी डी की वैल्यू 30 + 1.5, तो 31.5 मीटर इज द हाइट ऑफ ट्री। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है आपको, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कर, अब डिप्रेशन बोल रहा है पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टावर, एक टावर दे रखा है, ठीक है एक टावर दे रखा है और इसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर, ये पूरी हाइट दे रखी है, और वो ऊपर से एक कार देख रहा है। अब देखो कार की कोई हाइट नहीं दी तो मैं उसको एक पॉइंट मान लूँगा, ओके अब वो डिप्रेशन देख रहा था तो मतलब सामने से नीचे देख रहा था, यहाँ देख रहा था, तो कितना एंगल पे था 30 डिग्री एंगल पे था। मांग क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये मांग रहा है, तो मैं इसको ए बी सी, ओके अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, अगर आपको पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज अगर याद हों तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये और ये क्या लाइन पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 30 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मेरे पास बहुत ही सिंपल सा ट्राइंगल बन चुका है, ये ए ये बी ये सी ये 30 डिग्री और ये क्या है 75, ओके अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बी सी और दे क्या रखा है ए बी इक्वल्स टू डैश थीटा 30 डिग्री। अब
30 डिग्री के परस्पेक्टिव में सामने वाला है ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस और ये है बेस। ओके, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ अपनी रेफरेंस के लिए, ये क्या बेस और ए बी क्या है, ए बी क्या है परपेंडिकुलर। तो बी अपॉन पी उल्टा, ओके बी अपॉन पी मतलब कॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट, कॉट 30। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी सी को बी सी रखेंगे, ए बी क्या है 75, ओके कॉट 30, कॉट 30 होता है 10 का उल्टा, 10 30, तो 10 30 होता है 1/√3, 1/√3 का उल्टा हो गया √3, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, बी सी की वैल्यू हो जाएगी 75√3, यह है मीटर में मीटर, तो इसका जो डिस्टेंस हो गया वो 75√3 मीटर हो गया। आपको कैसी लग गया ये एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और आगे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।